आज मैं खड़ा हूँ धम्मौर सुल्तानपुर और बाबा महेश नाथ धाम। तो ये धाम है महेश नाथ धाम, बाबा महेश नाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और आज मुझे मौका मिला यहाँ दर्शन करने का, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दर्शन करूँगा और यहाँ के बारे में जो जानकारी है आप लोगों को भी दूँगा और दर्शन भी कराऊँगा। तो अब मैं चल रहा हूँ दर्शन कराने आपका। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब श्रद्धालु लोग हैं, ये देखिए, और ये देखिए सब श्रद्धालु लोग हैं। और ये है बाबा महेश नाथ धाम धम्मौर सुल्तानपुर। तो ये प्रवेश द्वार है, तो देखिए एक सुंदर सा प्रवेश द्वार, ऊपर देखिए त्रिशूल भी लगा हुआ है वहाँ पे, और ये एक प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को मेला भी लगता है। तो मैं दोपहर में हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा भीड़ कम हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मिठाई की दुकानें हैं, अभी भी फूल की दुकानें हैं, और ये भक्तगण लोग हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ मिठाई की दुकानें हैं जो प्रसाद के लिए, मतलब यहाँ भक्त लोग लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए एक साधु जी हैं या पुजारी या सन्यासी जी हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप इस धाम के बारे में थोड़ा सा बताएं महाराज, थोड़ा इस धाम के बारे में आप थोड़ा सा अवगत कराएं लोगों को, पहले अपना परिचय दें। हनुमानगिरी नागा महेश नाथ बाबा से बोल रहे, श्री श्री 108 त्यागी बाबा जी स्वामी जी, यहाँ पर जितनी रचना है सिर्फ त्यागी बाबा ने किया है, और यहाँ कोई माई का लाल एक गीत नहीं रख पाता था, और त्यागी बाबा ने सब कुछ बनाया। और आज दिन तक कन्नी नहीं बंद हुई है, चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ काम यहाँ पर प्रोग्राम चलता रहता है, कहीं कथा हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं मतलब उद्धरा विशेष हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ इनकी कृपा है बाबा महेश नाथ की, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पर चलता रहता है। तो बाबा जी ये जो शिवलिंग है जी महेश नाथ बाबा जी, ये कितने प्राचीन हो सकते हैं? इसको आज तक कोई बताने वाला नहीं है कि कौन जमाने का यह मंदिर है, कोई इसको जानता ही नहीं। यहाँ जंगल था महाराज जी आए, यहाँ जंगल था महाराज जी आए थे, यहाँ पर उनको अच्छा लगा, बैठ गए, और धीरे 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 आज यहाँ सब। यहाँ बरगद का एक प्रवेश द्वार भी है, उसके बारे में कुछ जी? बरगद का पेड़ है, वहाँ मुलकटनी माता जी बैठी हुई हैं, और उन्हीं की शक्ति है बाबा महेश नाथ, पार्वती माता उसी में रहती हैं, और सबको दर्शन माता जी वो नहीं देते हैं, न शंकर जी न पार्वती। बहुत कर्म का अच्छा होगा वही यहाँ दर्शन पाएगा, ये बहुत महान शक्ति है। इस शक्ति को सिर्फ श्री श्री 108 त्यागी बाबा जान पाए हैं, और उन्हीं का हाथ का जो कुछ है दर्शन हो रहा, और सबका कल्याण हो रहा है, जो जो जौन मांग रहा है उसको पूरा कर रहे हैं स्वामी जी महेश नाथ बाबा, त्यागी बाबा, बजरंगबली बाबा, शंकर भगवान, पार्वती माई, दुर्गा माई, गंगा माई, गौ माता, धरती माता। मूल स्थान शंकर जी का है, मेन स्थान शंकर जी का है, बाबा महेश नाथ का। तो मैं श्री श्री 108 हनुमानगिरी नागा यहाँ से बोल रहे हैं। अब मैं इन बाबा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतनी जानकारी दी, आशीर्वाद दिया सबको।
और मैं आगे के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पे और भी भक्तगण हैं, आप देख सकते हैं, और ये लोग दर्शन करते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे और ये बाबा जी यहाँ प्रसाद ज़रूर देते हैं, जो भी आता है ये बाबा जी प्रसाद देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे दर्शन करा दूँ, फिर अगर कुछ लोग कुछ बताना जानकारी देना चाहें तो बात कराता हूँ। और यहाँ पे एक श्री त्यागी जी महाराज, आप देखिए यहाँ पे जो श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज, तो ये देखिए यहाँ पे हैं, तो इनकी समाधि है यहाँ पे। तो पहले आगे इन्हीं के दर्शन कराते हैं। और ये जो है कहते हैं जय बाबा की, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और दिव्य दिख रहे हैं। सुंदर बोलना तो ठीक है, लेकिन दिव्य दिख रहे हैं। और ये देखिए उनकी खड़ाऊ है, और ये लिखा हुआ है समाधि स्थल श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पे इस धाम को एक लेवल तक ले गए। शिवलिंग तो पहले ही रहे, और यहाँ पे शिवलिंग तो बहुत प्राचीन है। और ये देखिए इनकी समाधि स्थल है, और अब चल रहे हैं। और हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं ये पंडित जी? हाँ सर, हम यहीं सन्निकट श्रद्धालु हैं, इनकी महिमा बहुत बड़ी है त्यागी महाराज की, इन्हीं के कब जी आप अपनी उम्र बता दीजिए कितने दिन के हम लगभग हम 70 हो चुके हैं। और हमारा जहाँ तक ख्याल है, श्रद्धा और भक्ति से जो कोई आता है उसके सारे मनोज पूर्ण हो जाते हैं। जो इच्छा करी हो मनमाही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो जिस इच्छा में जो आता है उसकी, भगवान हमारे यहाँ जो शंकर जी निकले हुए हैं, पौराणिक है, इनके बारे में कोई बता कोई नहीं सकता कब इनकी लिंग निकली है, कब इनका मंदिर था। यहाँ बहुत जंगल था, जानते जानते हमारे त्यागी महाराज आए उनकी सफाई करवा करके। और दिव्य अपनी योग क्रिया से यहाँ पर इन्होंने इन सबकी रचना किया है, और कोई यहाँ कर नहीं पाया था प्राचीन काल से। धन्यवाद। ये देखिए ये भक्तगण हैं, और इन्होंने बताया यहाँ पे, तो मैं पहले दर्शन करा देता हूँ यहाँ शिव जी के। तो हाँ हाँ, तो दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए शिव जी हैं, और जो है ये देखिए यहाँ पे एक शिव जी हैं, और ये तो ये यहाँ पे श्री महेश बाबा महेश नाथ धाम के ये यहाँ पे शिवलिंग हैं, जो बाहर यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पे जल चढ़ता है। और ये देखिए दिव्य दिख रहे हैं ये भी, तो इनके आप दर्शन कीजिए, और फिर जो है आपको अंदर के मैं दर्शन कराता हूँ। अब देखिए हम यहाँ गर्भगृह कह सकते हैं इसको, मेन जो शिव जी के लिंग है यहाँ पे, बहुत ही प्राचीन है। आप इनके दर्शन कीजिए, पहले आप सब लोग दर्शन कीजिए, बहुत दिव्य दर्शन है इनके। और यहाँ पे जो है लोग जल चढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये देखिए ये पंडित जी लोग, और ये नागा बाबा, और ये कुछ परिवार भक्तगण आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पे अभी जल चढ़ा रहे हैं और दर्शन आप लोग करें। तो अब देखिए ये जो लिंग हैं ये बहुत ही प्राचीन है, और स्वयंभू बताए जाते हैं, और बहुत सालों से हैं। मंदिर का निर्माण तो यहाँ हुआ बाद में, लेकिन ये जो शिवलिंग है, मतलब मेन मंदिर, ये बहुत प्राचीन है और बहुत ही दिव्य है। आप देख सकते हैं ये जो नाग देवता बने हुए हैं, ये भी दिव्य ही हैं, एकदम अलग ही दिख रहे हैं सामान्य शिवलिंग से, थोड़ा इनका लुक दिव्य है, और ये जो है डिफरेंट है और दिव्य भी है, और जो है बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और ये शिव परिवार के जो लोग हैं, जैसे नंदी जी भी गिने जाते हैं, तो नंदी जी भी यहाँ पे हैं। और ये बाबा जी कौन है? माता जी। ये माता जी हैं, दुर्गा माता। ये दुर्गा माता हैं यहाँ पे, गणेश जी हैं, और ये देखिए बाबा बता रहे गणेश जी। तो ये जो है कहते हैं, ये देखिए गणपतये नमः। तो जो है कहते हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर और शिवलिंग, और यहाँ पे भक्तगणों का तांता बोलते हैं उसको लगा रहता है। और मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती, इतनी दिव्यता है इनके अंदर, इतनी पावर है, इतने भक्तगण आते रहते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल देव हैं। अब यहाँ पे देखिए
वट वृक्ष, ये वट वृक्ष है और यहाँ पे देखिए बहुत ही भव्य वट वृक्ष है। जटा से पेड़ सब निकले हुए हैं जितने और, हाँ ये बने हुए हैं सब जटा से, हाँ तो ये देखिए भक्तगण है सब ये लोग यहाँ पे। और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो ये आपके थे बाबा महेश नाथ धाम। और ये इनके चारों तरफ मैं चक्कर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपके महेश नाथ धाम बाबा के, और ये दिव्य दर्शन आपने किए। और ये इनके सामने कुछ जगह है और हाँ हाँ, तो ये जो है कहते हैं महेश नाथ धाम था, शिवलिंग के आपने दर्शन किए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।